हाय फ्रेंड्स, आप लोग को रेड सैंडल का रूट सूट का बारे में बताना आज बता दूंगा। ये रेड सैंडल रूट सूट से और सीड का पौधा कैसे डेवलप होता है, ये पूरा रेड सैंडल का रूट का बनाया जितना ये पूरा आपको देख रहे ये इंडिया में एक आदमी बनाते हैं रेड सैंडल रूट सूट का। ये अपने को सभी लोग सीड से पौधा बनाते हैं रेड सैंडल का। ये पौधा बनाने से क्या है ना, बहुत टाइम में अपने को डेवलप होता है। ये आपको रेड सैंडल का रूट से बना दिया तो अपने को जल्दी 40-50 डेज में अपने को पौधा 1 फीट से 1.5 फीट तक बना सकता है। आपको रेड सैंडल का रूट का ये रेड सैंडल का रूट है, ये रेड सैंडल का रूट है। अपने को अभी सपोज यहाँ से यह इसको सिर बोलते हैं, ये सिर से 1 इंच काट के अपने पैकेट में लगा दिया तो ये स्किन से अपने को पौधा डेवलप होता है। ये स्किन यहाँ पर स्किन से साइड से एक पौधा आता है, वही पौधा अपने को पैकेट में ये रूट पहले कटिंग करके उसमें पैकेट में लगा दिया तो अपने को 1 हफ्ता से ये स्किन से एक पौधा निकलता है। ये हाइब्रिड होता है, इसका जल्दी ग्रोथिंग हो जाता है। अपने को 1 हफ्ता से स्पोर्टिंग चालू हो जाएगा तो अपने को ग्रोथिंग हो जाता है, अपने 40-50 डेज में 1 फीट तक हो जाता है, 1 फीट 1.5 फीट तक बढ़ जाता है। सीड से कहना थोड़ा एक प्रोसेस करना पड़ता है, सीड का जर्मिनेशन, उसको पानी में भिगाना, उसको बोरी में बांधना, 1 हफ्ते 1 हफ्ता चाट के उसको पैकेट में लगाने, पैकेट में लगाने के बाद में कुछ सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कुछ सभी लोग को रेड सैंडल का पौधा लगाना का इच्छा है, ये उन लोग सीड से, कुछ लोग सीड कहाँ मिलता है, सीड मिलता है, मिलेगा तो अपने जर्मिनेशन कर सकता है, ऐसा सोचता है। कोई भी इंटरेस्ट वाला है तो ये रूट से पौधा बना सकते हैं, ये रूट से पौधा जल्दी हो जाएगा अपने की। ये अभी आजकल क्या ना, सभी टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड होती है। ये क्या ना, ये रूट का 18 महीना का एज है इसका कम से कम फिंगर साइज है, ये कम से कम 1 फिंगर साइज का होता है। अभी शुरू होता है, अभी कम से कम 1-1.5 लाख का रूट है पूरा। ये अभी पूरा अभी प्रेजेंट आज मार्च 5 है तो अपने को मई लास्ट एंडिंग का पूरा ख़त्म हो जाता है, एक रूट भी नहीं बचता है। एक आदमी बनाते पूरा एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट, यहाँ पर साइंटिस्ट का सभी एग्रीकल्चर का जो भी है, सब्जी का, धान का एंड ये रेड सैंडल का, उस साइड वाइट सैंडल का बीज भी है, आपको वाइट सैंडल का बीज भी वहाँ वो साइड है, वो बीज भी जर्मिनेशन करता है। ये पूरा रेड सैंडल, जिसको अपने रेड सैंडल पौधा लगाना है, आपको ये मेरा नंबर होता है नीचे, वो नंबर को फ़ोन करके आप ऑर्डर कर दिया तो मैं बाई पोस्ट इसका रेड सैंडल का जिंदा है कम से कम 20 दिन तक रहता है, ख़राब नहीं होते रेड सैंडल। यहाँ से हम लोग यहाँ तक कटिंग करके भेज देता है, आप लोग पहुँचने के बाद में 1 इंची रख के काटना है, ये सूखता रहेगा कम से कम 20 दिन के बाद में, ये 20 दिन तक खराब ही नहीं होता है। पानी उसका गिला रखेगा तो 1 महीना भी रहता है, खराब नहीं होता, ये इतना मजबूत होता है। 18 महीना है ना स्ट्रांग, इसका न्यूट्रिएंट्स मिलता है ज़मीन में, सभी गोबर खाद सब मिलता है, इसलिए ये रूट है ना डैमेज नहीं होते, हेल्दी होते हैं। आप इंटरेस्ट है तो आपको रूट लगा के देखेगा तो आपको हाइब्रिड जैसा देखेगा पौधा भी, पत्ती ये देसी होता है, ये सीड से है ना, ये देसी पौधा है। ये कटिंग करने के बाद में स्किन से आता है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा पत्ती आता है, आपको दिखाएगा ये हाइब्रिड पौधा है। आप लोग देखो ये बीज का रूट सूट का ये पूरा रूट सूट का है, अभी इसका 18 महीना हो गया, ये बीज का है, ये बीज डाल दिया ना इसलिए वो 18 महीने, 18 महीने में देखो कितना हाइट है, इतना हाइट होता है। ये रूट का पैकेट में लगाने के बाद में आपको 40 से 50 डेज के अंदर कम से कम 1 फीट ऊपर हो जाता है, अभी ये 1 फीट से ऊपर।